यदि आप बीमार हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर हाथ रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाए, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
हमारा परमेश्वर कोई बुरा परमेश्वर नहीं है जैसे कि अय्यूब उसे मान रहा था। वो प्रेमी परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह से कहता है कि ये क्यों हो रहा है? भले लोग तो मुश्किल में पड़ रहे हैं, लेकिन बुरे लोग जो है वो समृद्ध हो रहे हैं, वो शांति में हैं। लेकिन जैसे कि लूका 16 अध्याय में जो धनी व्यक्ति के विषय में कहा गया है, हम देखते हैं कि हो सकता है वो आपदा में ना पड़े, तुरंत परमेश्वर उनका मूल्यांकन ना करें। लेकिन जो सबसे अधिक डरावने वाली चीज है कि यह तथ्य कि वो पश्चाताप नहीं कर सकते। जैसे उनका जीवन खत्म होगा तो आने वाले जीवन में वो न्याय का सामना करेंगे। आप जानते हैं, मान लीजिए आप विश्वास में बने रहे, आपने संसार से मित्रता नहीं की, आप नई यरूशलेम की ओर दौड़ते रहे, लेकिन आजमाइशों के समय में आपने परिपूर्णता को खो दिया, संसार से प्रेम करने लग गए, आपके अंदर एक भय होता था। मेरा मतलब है, जब आप ऐसा करते हैं, अब आपके अंदर एक डर आने लग जाता है, अब आपके अंदर डर आने लग जाता है कि कहीं आपके ऊपर कोई आपदा ना आए। आप पहले एक वातावरण में चल रहे थे क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेला था। आपके आसपास के लोग उस वातावरण में बह रहे थे, इसलिए आप उसी वातावरण में बढ़ रहे थे। लेकिन वो बदलाव नहीं है, सत्य क्या है? भले ही आपके आसपास के लोग विश्वास में ना बढ़ रहे हो, लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ते रहना है, आपको विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। सत्य यही है। मान लीजिए दूसरे लोग नर्क चले जाएंगे, तो क्या आप भी नर्क जाएंगे? यदि आप सचमुच स्वर्ग और नर्क पर विश्वास करते हैं, तो आप उनका अनुसरण नर्क में जाने के लिए नहीं करेंगे। यही सत्य है। हम आत्मा का अनुसरण किया करते थे चरवाहे के अनुग्रह के द्वारा, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की वजह से इसराइलियों की अगुवाई की, उसी प्रकार से हम भी चरवाहे के क्षेत्र में थे, और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम केवल नई यरूशलेम पर दृष्टि करें। मगर क्योंकि अभी हमारी स्थिति सिद्ध नहीं है, इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें इस तरह की अवस्था से गुजरने दिया है जहां पर हम सचमुच अपने आप को देख सके, जांच सके। आप कहते थे कि आपके पास परिपूर्णता हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। आप नई यरूशलेम पर ही दृष्टि किया करते थे, लेकिन आजकल के दिनों में आपने संसारिक चीजों को लेना शुरू कर दिया है, आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। आपको एहसास करना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास की कमी है, लेकिन आप दूसरों पर दोष डालते हैं, आप वातावरण पर दोष डालते हैं, आप अपनी मुश्किलातों पर दोष डालते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने विश्वास में एक जगह पर आकर रुक जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जगह पर आकर ना रुकें, बल्कि वो चाहते हैं कि आप हमारे पास चरवाहे का सामर्थ्य है। हमें पिता परमेश्वर की ओर आना है, हमें पिता परमेश्वर के दया के हाथ को पकड़ना है। ये आपका काम है कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, लेकिन अगर आप संसार में ही बढ़ते जाएं तो पिता परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सचेत रहना है। जब आप संसारिक चीजों को लेते हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई आपदा ना आए, कोई परेशानी ना आए, हो सकता है तुरंत ये बातें आपके ऊपर ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, तो फिर आपका जो डर था परमेश्वर के प्रति आपके अंदर, वो भी जाता रहेगा। फिर आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय पर खटखटाता है, लेकिन जब आप संसार में चले जाते हैं, फिर आपके अंदर वो डर भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या आप उद्धार प्राप्त कर पाएंगे जब आप संसार से प्रेम करते हैं, जबकि आप जागृत नहीं हैं? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रात्रि भरा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे? नहीं। अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, संसार से मित्रवत होते हैं, तो नहीं। आपको उद्धार की सीमा के भीतर रहना है, आपको पाप और बुराई को दूर करना है, केवल तभी आप उद्धार पा सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए सीनियर पास्टर ने रविवार की सुबह की सभा के दौरान क्या कहा था।
सिनी पास्टर का वचन भले ही 2015 में प्रचार किया गया था, लेकिन वो आज भी हमारे ऊपर वैसे ही लागू होता है। अगर आप केवल वातावरण के बहाव में बहते रहें, तो आपको एहसास करना चाहिए कि वो विश्वास आपका नहीं था। पिता परमेश्वर ने आपको इस समय से गुजरने दिया है जहां पर हम सचमुच अपने आप को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, और अगर आप निर्णय ले कि आप संसार से दूर हो जाएं, तो पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देंगी। संसार से प्रेम करने के द्वारा क्या आप संतुष्ट हो गए? क्या आपको परिपूर्णता मिल गई? उस समय से आप तुलना कीजिए जब आप केवल नई यरूशलेम की ओर दृष्टि किया करते थे। क्या अब आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? मैं जानती हूं कि ऐसा नहीं है। आपने सांसारिक चीजों को निरंतर अपने अंदर लिया है। आपका हृदय परिपूर्णता में नहीं है। बजाय इसके जब आप आत्मिक चीजों को अपने अंदर लेंगे, तब आप परिपूर्णता से भर जाते हैं। मुझे आशा है कि आप इस तरह की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। और इस तरह की परिपूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको संसार से अलग हो जाना है, वचन के अनुसार जीना है, हृदय का खतना करना है, एक उचित मसीह जीवन जीना है। तब पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देंगे, सामर्थ्य देंगे कि आप सिद्ध उद्धार प्राप्त कर सकें। वर्तमान में आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं वचनानुसार नहीं जी रहा हूँ। लेकिन मुझ पर तो कोई सजा नहीं आ रही है, इसलिए मैं उद्धार प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर अपने वचनानुसार सटीक रूप से आपका न्याय करेंगे। इस संसार में जीवन जीते वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आप तो शांति में हैं, आप तो सुविधा में हैं, लेकिन अगर आप वचनानुसार ना जी तो आपकी दशा, यह चीजें आपके लिए कितनी अधिक दुखद है, कितनी अधिक दयनीय है। पिता परमेश्वर लुका 16 अध्याय के द्वारा एक सीख हमें दे रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति था वो हर दिन उत्साह करता था, हर दिन कोई ना कोई उत्सव करता था, लेकिन जब उसका जीवन समाप्त हो गया तो वो नरक में चला गया। वो निचली कब्र में पीड़ा उठा रहा था। लेकिन वो भिखारी, जो एक भिखारी का जीवन इस संसार में जी रहा था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था, और जब उसका जीवन समाप्त हो गया तो वो अब्राहम की गोद में जा बैठा। वो एक सुंदर आत्मा में बदल गया जो श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए था। अब वो भिखारी नहीं दिख रहा था। यह सच्ची आशीष, सच्चा आनंद, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए हम भी अच्छा खाकर, बेहतर पहनकर, इस धरती पर अपने जीवन के दौरान इन तमाम चीजों को करकर हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ज्यादा डरावना है। वो व्यभिचार की संतान है। उनका न्याय, उनके ऊपर कोई आपदा भी नहीं आ रही है। यद्यपि वो इस संसार में बुराई करते हैं, उनके ऊपर कोई आपदा नहीं आती, कोई विपत्ति नहीं आती। क्या आप भी उनके साथ जाना चाहते हैं नर्क? नहीं, आपको इस तरह के मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना है। और साथ ही यदि हम अधर्मी होकर पैसा कमाएं, लूटपाट करें, दूसरों का लूटें, हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप चर्च को छोड़ के चले जाएं, संसार से मित्रवत हो जाएं, और वो फिर इस बात पर भी बढ़ावा देते हैं कि देखो वो संसार से कैसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अगर आप जलने लग जाएं, उनसे ईर्ष्या करने लग जाएं, वो लोग अनंत स्वर्ग की ओर जाया करते थे, मगर अब वो संसार में चले गए हैं और वो संसार की चीजों पर बढ़ावा दे रहे हैं, संसार की चीजों पर घमंड कर रहे हैं। हमें प्रभु में घमंड करना चाहिए। परंतु जो लोग ऐसे लोगों से जलन रखते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अंदर कमी है। अगर आप भी इस तरह के हैं, तो आपको निरंतर पश्चाताप करना चाहिए। आपको संकरे मार्ग पर जाना है, आपको चौड़े मार्ग पर नहीं जाना है। आपको उद्धार के मार्ग पर जाना है और नई यरूशलेम पहुंचना है। वो जो संसार से मित्रवत होते हैं, वो जो पाप और बुराई में निवास करते हैं और अधिक आनंद लेते हैं, वो हमेशा चिंता में और परेशानी में अपना जीवन जीते हैं। और अगर उनकी बुराई
सीमा से परे हो जाती है तो वो इस धरती पर जीते वक्त अचानक आपदा का सामना कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो व्यक्ति तो पाप और बुराई में जीता है, लेकिन वो तो और भी बेहतर हो रहा है, क्यों उसके ऊपर कोई सजा नहीं आती? आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बुराई बोएंगे तो आप बुराई ही काटेंगे। इसीलिए जैसे कि भजन संहिता 31:1 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाहा ना कर। मुझे आशा है कि आप सत्य में सोचे, सत्य में रहें और इस तरह से पिता परमेश्वर को महिमा दें। आप सभी को जय मसीह की। आज किसी कारणवश पास्टर जी आ नहीं पाए, इसलिए आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम आज के दिन के लिए, आज के जो भी सारी योजनाएं हैं उन सब चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जो आज हमने संदेश सुना है हमारी एक्टिंग सीनियर पास्टर के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए हम, ताकि उसी के अनुसार, उन्हीं वचनों के अनुसार हम जीवन जी सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए, आज की सभी चीजों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज सब हम पिता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पिता यीशु मसीह के नाम में। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और नया दिन दिया है, और इस दिन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके। हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आगे देता हूँ शत्रु शैतान, सब प्रकार की यानी कि बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, धोखा देने वाले आत्मा, हर प्रकार की भरमाने वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। रहने पाए अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता, और आज के दिन पर पिता अपना अनुग्रह हम पर उंडेल दीजिए पिता, कि पिता हम यीशु मसीह के नाम में पिता हम आगे बढ़ते जाएं पिता। जो भी हमारी सारी योजनाएं हैं पिता परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए कि उन सब चीजों में पिता हम सफल होने पाए पिता। हमारी मदद कीजिए पिता, हम बढ़ते जाएं पिता, सच पिता आपके प्रेम और अनुग्रह में, आपके वचनों में पिता हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आज हमने वचनों को सुना पिता के, पिता परमेश्वर ये पिता, जब हम आपके वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं पिता, हम तब शांति में रहते हैं पिता परमेश्वर। चाहे भले ही पिता सच में पिता हमारे पास चीजें ना हो पिता, हमारे पास अच्छी चीजें ना हो, परंतु पिता परमेश्वर आपका प्रेम पिता हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। होने पाए अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। हम उस पिता धनी व्यक्ति की तरह पिता जीवन ना जिए पिता, जो पिता जिसका अंत पिता नरक की आग में हो गया पिता परमेश्वर। पिता भले ही पिता हमारा जीवन पिता बेकारी लाजरस की तरह ही क्यों ना हो, परंतु पिता परमेश्वर अंत में पिता हम पिता स्वर्ग राज्य की महिमा को प्राप्त करेंगे पिता, जो आपने हमारे लिए तैयार की है पिता परमेश्वर। निश्चित रूप से पिता जब हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं पिता, हम आशीषों को प्राप्त करेंगे पिता। हम दोनों आत्मा और शरीर में पिता आशीषों को प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार पिता हमारे चरवाहे ने हमें सिखाया है पिता। जैसे जैसे पिता हमारा आत्मा प्राण समृद्ध होता है पिता, हमारे चीज में भले चंगे रहेंगे पिता। हाँ पिता, पिता होने पाए पिता हम इस संसार से मृत्युता ना करें पिता, साथ ही पिता हम आपके वचन के अनुसार जीवन जी सके पिता। हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता, कि पिता हम हर रोज पिता आपके वचन पे मनन करने पाए पिता। जैसे कि आपके वचन में लिखा हुआ है, एक जवान अपनी चाल को किस सिपाही से सुत रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और जैसे और आगे वचन में लिखा हुआ है पिता, प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती है पिता। हाँ पिता, हम पवित्र हो सकते हैं पिता जब हम प्रार्थना करेंगे पिता और आपके वचन के अनुसार कार्य करेंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, पिता उद्धार पिता हम केवल पिता पिता बोलने के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, परंतु उद्धार पिता हम केवल आपके वचन को सजीवन जीने के द्वारा प्राप्त करते हैं पिता। हमारी मदद कीजिए पिता, कि पिता हम जो कुछ भी पिता वचन को सुन रहे हैं पिता, हम उसे केवल सुने ना, परंतु अपने हृदयों में पिता उन्हें पिता बोने पाए पिता, उन्हें अपने हृदयों में जोतने पाए, उसकी रोटी बनाने पाए पिता, उसे खाने पाए और पचाने पाए पिता। हमारी मदद कीजिए कि हम और भी ज्यादा आपके वचन में बढ़ते जाएं पिता। आपके वचन के पिता जो भी पोषण है पिता, वो हमारे जीवनों में पिता दिखाई दे पिता। होने पाए पिता हम बहुत से फलों को पिता उत्पन्न कर सके अपने जीवन में पिता, जो कुछ भी हम बोए। हमारी मदद कीजिए पिता, कि हम जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं पिता, हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां, आज भी हमने पिता बहुत सी बुराइयां की होगी, कल भी पिता, परसों भी पिता, हमारी मदद कीजिए पिता, कि हम उन सारी बातों से पश्चाताप कर सके पिता। और हालांकि पिता हमारे चरवाहे ने पिता हमारे लिए बहुत सा पिता पिता हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया, उन्होंने हमारे लिए न्याय को पूरा किया है पिता। हमारे लिए उन्होंने पिता सच पिता बहुत सी चीजों को किया है पिता, कि हम पिता आपके वचन में बढ़ सके। हमारी मदद कीजिए,
कि पिता हम चरवाहे के न्याय के द्वारा पिता आपके सम्मुख आते हैं, पिता हम कुछ भी नहीं है, पिता हमारी मदद कीजिए, कि पिता हम अपने चरवाहे के न्याय को आपके आगे रखते हैं, पिता सच्चे पिताजी हमारी मदद कीजिए, हमारे चरवाहे के न्याय को ध्यान में रखते हुए पिता हम पर दया कीजिए, हमारी मदद कीजिए पिता, कि हम और भी ज्यादा पिता हम आपके वचन बढ़ते जाए पिता, और हम नए यरूशलेम के लिए अपने आप को तैयार कर सके, हमारी मदद कीजिए। आज का दिन भी पिता आपने हमें जीवन में दिया है पिता, पिता इस दिन को पिता हम व्यर्थ ना करें पिता, परंतु साथ पिता हम आपके वचन के साथ जीवन जीने की कोशिश करें पिता, लगातार पिता जो कुछ भी हम वचन को सीखते जाए आज के दिन भी पिता, पिता उसको अपने हितों में पिता जोतने पाए पिता, हम लगातार पिता बदलते जाए पिता, हमारी मदद कीजिए। साथ ही पिता हमारे जो परिवार के सदस्य हैं पिता, सभी पिता लोगों के साथ पिता हम शांति बनाए रखे पिता, हमारे परिवार में शांति दीजिए पिता, और साथ ही पिता हमें आर्थिक आशीष को भी दीजिए पिता, होने पाए हमारी मदद कीजिए, और जो कुछ भी हमारी आज की योजनाएं हैं पिता उन सबको आपके हाथों में रखते हैं पिता, हमारी मदद कीजिए पिता, चाहे हम खाए पिए या जो कुछ भी करें सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता की पिता 2023 साल पहले पिता हमारे यीशु मसीह पिता इस संसार में आए पिता, हमारे पापों के पिता जो हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए हमें छुटकारा देने के लिए पिता, और साथ ही पिता हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए पिता, जो पिता वो दूसरी मृत्यु है पिता जो नरक की आग है पिता, हम सचमुच पिता हम धन्यवादी हैं पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता हम धन्यवादी हैं पिता, अपने चरवाहे के लिए भी पिता जिन्होंने पिता हमारे इस महान प्रभु के प्रेम को पिता हमें बताया पिता, नहीं तो पिता सच पिता हम हालांकि पिता हम कहते थे तो पिता कि हम प्रभु को जानते हैं प्रभु को मानते हैं, परंतु फिर पिता हम संसार में जी रहे थे, हम पापन जीवन जी रहे थे पिता, परंतु पिता हम एक भटकी हुई भेड़ों के समान थे पिता, परंतु हमारे चरवाहे ने पिता हमारे अगुवाई के पिता हमें सत्य को सिखाया पिता, और आज तक पिता वो हमें सिखा रहे हैं मेरे पिता की किस प्रकार हम पिता सफल मसीह जीवन जी सकते हैं, और पिता संपूर्ण उद्धार को हम आप कर सकते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी मदद कीजिए पिता, हर किसी के जीवन पिता चलने की सामर्थ के द्वारा कार्य कीजिए, मदद कीजिए पिता, पिता हर कोई पिता आपके प्रेम में बढ़ते जाए पिता, होने पाए पिता आज जो कुछ भी पिता हमारे पास प्रार्थना विषय है पिता, हमारी मदद कीजिए कि पिता उन सारी प्रार्थना विषयों के पिता उत्तर प्राप्त कर सके पिता, हमारा वातावरण हमारी स्थितियां हमारे परिवार के सदस्य रिश्तेदार पिता दूसरे लोग पिता हमारी स्थिति का कारण नहीं होते, परंतु हम खुद पिता हमारी स्थिति का कारण होते हैं पिता, हमारी परेशानी का कारण होते हैं, क्योंकि पिता हमने पिता हम गलतियों को करते हैं पापों को करते हैं, इसी कारण से पिता हमारे जीवन में परेशानियां है पिता आती है पिता, होने पाए पिता मदद कीजिए कि पिता हम सच में पिता अपने ऊपर पिता ध्यान करने पाए पिता, आपके वचन के अनुसार पिता अपने आप को ठीक करने पाए, और आपके वचनों में पिता बढ़ते जाए पिता, हमारी मदद कीजिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम उस व्यक्ति के समान बने पिता जो रात दिन आपके वचनों पर मनन करता है पिता, रात दिन पिता आपकी व्यवस्था पर ध्यान करता है पिता, हम और उस वृक्ष के समान बन जाए पिता जो बहती नालों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और पिता जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हाँ पिता परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचन में बने रहेंगे पिता सच पिता हम उस वृक्ष के समान बन जाएंगे पिता, जो बहती नालों के किनारे लगाया गया है पिता, होने पाए पिता अनुग्रह कीजिए कि पिता सच पिता हम पिता ना केवल पिता हम अपने जीवन में पिता आशीष के फल, परंतु पवित्र आत्मा के फलों को पिता हम उत्पन्न करने पाए पिता, धन्य वचनों के पिता आत्मिक प्रेम के फलों को भलाई के फलों को पिता उत्पन्न करने पाए, हमारी मदद कीजिए पिता कि हम और भी ज्यादा पिता स्वर्ग की आशा से भर जाएं पिता परमेश्वर, नए शिलम की ओर बढ़ते जाएं पिता, हम और भी ज्यादा एक बेहतर स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ते जाएं पिता, हम स्वर्ग लोक से पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग तीसरे स्वर्ग नए शिलम की ओर पिता बढ़ते जाएं पिता, हमारी मदद कीजिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सारे बातों को आपके हाथों में रखते हैं पिता, जो भी पिता विद्यार्थी हैं पिता परमेश्वर, वो जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं उनकी मदद कीजिए पिता कि पिता वो अच्छे से पढ़ाई कर सके पिता, और साथ ही मदद कीजिए पिता हम जो भी पिता जॉब पे जाएंगे पिता कार्यशालाओं में जाएंगे पिता, हमारी मदद कीजिए पिता, हमें बुद्धि दीजिए पिता कि हमारे कार्य को अच्छे से कर नहीं पाए पिता, और पिता आपके नाम को महिमा दे सके पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में रखते हैं पिता, हम महिमा पाए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते हैं आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।